शुरुआत हुई है मुकाबले को। और फिर एक बार आए हुए सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत होगा इस प्रतियोगिता में। हम देख रहे हैं गावदी क्रिकेट संघ बुरदुल्ला के माध्यम से आयोजित की हुई बहुत ही बड़ी है नाइट क्रिकेट की टूर्नामेंट हम देख रहे हैं दोस्तों। सरपंच चषक 2023 हमारे साथ रोशन पाटिल जुड़ते हैं कमेंट्री बॉक्स में। देखिए हो गई शुरुआत। यहाँ पर पिछले मैच में सुधीर का बोल बाला था, लेकिन इस मैच में महेश बल्ले बल्ले कर रहे हैं सिक्सर। इति आर्यन ग्रुप ब्राह्मण करवले किशोर दादा पाटील यांच्या वतीने क्रिशा जागृती इलेवन ब्राह्मण करवले क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना प्रत्येक विकेट साठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज असेल। सिक्सर आया यहाँ पर, पहली गेंद देखा जाए तो डॉट आई और उसके बाद महेश के बल्ले से आता हुआ ये लंबा छक्का। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए राहुल भाई पाटिल। अगली गेंद लो फुल टॉस थी, कन्वर्ट किया ऑन साइड पर गैप में अकेला छक्के के बाद ये आता हुआ और एक बड़ा शॉट महेश के बल्ले से चौका। बढ़िया स्ट्रोक, इससे पहले देखा हमने दोस्तों 6 रन आए और उसके बाद आता हुआ चौका। महेश पहले मुकाबले में शांत है, लेकिन यहाँ पर दूसरे मुकाबले में सुधीर की साथ वो जरूर देंगे। उन्होंने कहा जिम्मेदारी मुझे भी यहाँ से लेनी होगी और जिम्मेदारी बताते हुए जताते हुए मैदान में ऑन साइड पर खेलना था, लाइन से चूके, दिशा में गलती, व्हाइट बॉल का इशारा था अंपायर का, लेग स्टंप के बाहर, अतिरिक्त रनों से बढ़ता हुआ टोटल 11 रनों पर मैच के बल्ले से 10 रन आए यहां पर। इस बार फिर से अंदरूनी किनारा बल्ले का, रुकी गेंद जगह पर, रन नहीं मिलेगा यहां पर। रनों के लिए यहां पर कड़ा संघर्ष कड़ा देखने मिल रहा, लेकिन इससे पहले देखा जाए तो सिक्सर आया उसके बाद चौका दागा, फुल टॉस ऑन साइड पर खिलाड़ी मौजूद, रिव्यू लिया अंपायर ने बीमर के लिए, अंपायर रिव्यू है ऑन फील्ड अंपायर का रिव्यू यहां पर बीमर के लिए। तो चलिए हमारे साथ फिर एक बार टेक्निकल टीम के साथ तो हमारे थर्ड अंपायर जुड़ेंगे जरूर। आज बुरदुल टीम नसीब लेकर आई है साथ, क्या कैचेस छोड़े बुरदुल टीम के, पहले मैच में 2 से 3 कैचेस, इस मैच में भी यहाँ पर बड़ा जीवन दान शायद है, शायद कमर के ऊपर नो बॉल। आने वाली गेंद जो होगी वो फ्रेड की सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका बल्लेबाज के पास, स्ट्राइक पर कौन है, ओ सुधीर स्ट्राइक पर लॉप किया इस गेंद को, गेंद हवा में लपक लेंगे, वो भी छूटी, लपक लेते फिर भी नुकसान तो नहीं होता बट एटलीस्ट कैच होना चाहिए था। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 14 रनों पर, 14 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए यहां पर आखिरी गेंद, राहुल पाटिल की आखिरी गेंद, ड्राइव करने की कोशिश, यहां पर और एक गलती, गलतियों पर गलतियां, वाह देखा जाए तो यहाँ पर 4 रन मिल सकते थे, लेकिन बैकअप अच्छा मिला और बतौर अच्छे बैकअप के यहाँ पर 2 रन खर्च करते हुए पहले ओवर का खेल समाप्त, 16 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई जैसे गावदेवी क्रिकेट टीम बुरदुल।
विश्वजीत मोतीराम पाटिल बुर्दुल इनके माध्यम से हर एक सिक्सर के लिए 500 रुपए का इनाम है। प्रतीक जब भी बल्लेबाजी के लिए आएंगे तभी ये इनाम होगा। देखिए विश्वजीत पाटिल की ओर से जो बुर्दुल के उनके तरफ से हर एक सिक्सर को 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। क्या बात है, प्रतीक के लिए इनाम है। हमारे साथ परिवार कमेंट्री बॉक्स में वॉइस ऑफ श्री रोशन पाटिल जुड़ चुके हैं। आइए रोशन आपका स्वागत है। राहुल भंडारी के हाथों में गेंद थमाइए राहुल पाटिल ने। पहली गेंद मैच सिंगल के साथ शुरुआत की इस ओवर की राहुल भंडारी। इससे पहले राहुल पाटिल थे गेंदबाजी के लिए 16 रन आए उसके ओवर में। और यहाँ पर देखा जाए तो राहुल भंडारी गेंदबाजी के लिए पहले गेंद पर आई सिंगल। नक्कीस फलंदाजी के माध्यमातून तगड़ी शुरुआत पाहायला मिळते टीम बुर्दुल ची। टीम ब्राह्मण करोले संघा विरोधात आणि बॉलिंग ट्रैक वरती राहुल उत्तम दर्जाचे चेंडू सफर करतो। खऱ्या अर्थाने फलंदाजांना होळी देत असताना आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून एकूण प्रथमच दोन चेंडू सफर केले। पहिला बॉल सिंगल रन्स आणि त्यानंतर तत्काल डॉट बॉल राहिला। राइट हॅम ओवर द विकेट ने चेंडू सफर केला आहे। पंचांचा इशारा बाइट बॉल। धावसंख्या आता आकार घेईल। सांघिक कोठ्याची धावसंख्या जाऊन पोहोचते बिनगडी बाद 18। ये खराब गेंदती गिरने के बाद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। हर एक विकेट को देखा जाए तो किशोर जी पाटिल प्रत्येक विकेट साठी आर्यन ग्रुप एक मोठा ब्रांड है ज्यादा मध्यम एक विकेट घेतला तरी 1000 रुपया कैश प्राइज लीजिए। विकेट नहीं यहाँ पर चौकों की आतिशबाजी होती हुई। रोशन देखा जाए तो इस प्रतियोगिता का 151वां चौका ठोका है। शुभ आंकड़ा माना जाता है 151 और चौका आता हुआ बल्लेबाज महेश के बल्ले। जब पिछले मैच में सुधीर का दमखम हमने देखा और इस मैच में महेश की ये धाकड़ बल्लेबाजी। नक्की चांगली अशी अपन भागीदारी पाहतो सुधीर पाटील च्या सहसाथीने महेश पाटील। आता सुधीर पाटील नंतर महेश पाटील आक्रमक झालाय। एकूण धावा स्कोर कार्ड वरती 22 गोलंदाज तैयार। ओहो वेगवान तेज तर्रार चंडू आहे परंतु लाइन लेंथ मध्ये बिघाड आहे की नाही हे सुद्धा पाहावं लागेल। ज्या पद्धतीने प्रचंड वेग धारण केलाय पंचांचा इशारा आलाय। व्हाइट बॉल सातत्याने धावसंख्या आता वधारतीये एकूण धावसंख्या 24 रनों पर टोटल तो आइए जरूर रोशन यहां से इस मुकाबले में अगर आप एक भी चांस दोगे ना गांव देवी क्रिकेट टीम बुर्दुल को आगे आने का तो वो छोड़ेंगे नहीं। कैच तो आपने छोड़ा है वहां से मैच भी बना है। रिवर्स अटेम्प किया और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। रुकने नहीं है वाले दोनों बल्लेबाज दोनों छोर से रन बन रहे हैं। यहाँ पर एक तरफ महेश दूसरी तरफ सुधीर अनस्टॉपेबल चौका। उत्तम कार्य राहील अलीकडच्या चंडू गणी जिथे आल्या एकूण 4 रन्स। राहुल भंडारी विरोधात धावसंख्येचं भंडार इथे उदलवलं जात परंतु तात्काळ कमबॅक केलं गेलं डॉट बॉलची राहिली समाप्ती। इस गेंद में ज्यादा गति थी रोशन ना इसके पहले गेंदों में इतनी गति नहीं थी। इस गेंद को ज्यादा गतिशील बनाया गया और इसी वजह से शायद चूके होंगे सुधीर। अगली गेंद लेकर फिर एक बार आगे मुड़ते हुए गेंदबाज राहुल भंडारी की है। आखिरी गेंद स्विच इट और एक शानदार लेकिन इस बार 4 नहीं दोस्तों आधा डजन रन बल्लेबाज सुधीर पाटिल और टीम बुर्दुल के खाते में आते हुए ये 6 रन। थैंक यू डीजे स्वीच हिट चा हा फटका राहिला नेत्रदीपक फटकेबाजी आता पाहावयास मिळते। एकूण 2 षटकांचा कार्यकाळ समाप्त धावा धावपटलामध्ये जाऊन पोहोचतायत बिनगडी बाद 34 धावा। जय गावदेवी 11 बुर्दुल आणि प्रतिस्पर्धी संघ पाहायला मिळतो पाहुणा संघ क्रिशा जागृती 11 बामन करवले। देखा जाए तो इस मुकाबले में 2 ओवर के बाद 34 रन है यानी कि पूरी तरीके से इस मैच में आगे चलती हुई फिलहाल अब तक पहले 2 ओवर में जय गावदेवी क्रिकेट टीम बुर्दुल। खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये आज
दहा लॉर्ड्स पाहायला मिळतो। एकूण चार संघ ठाणे जिल्ह्यातील खेळले, सहा राहिले रायगडातील। एक चांगली अशी संकल्पना पाहू शकाल, खऱ्या अर्थाने ख्याती आहे प्रवीणजी मात्रे यांची, एक चांगली संकल्पना पाहायला मिळते। ओहो प्रहार केलाय, सुंदर फटकेबाजी सरपंच चषकातील, हा सुपर पंच आणि मंच गाजवतोय, ठोकलाय षटकार। महेश सांगतोय मेरे अंगणों में तुम्हारा क्या काम है, आणि अक्षरशः आता घाम गाळतोय, चांगलं काम करतो, ठोकलाय षटकार। देखा जाए तो अंगना भी हमारा, इलाका भी हमारा और धमाका भी हमारा, यही बताते हुए महेश मैदान में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी रोहन के खिलाफ, ये बड़ा स्ट्रोक आया और उसके बाद ये सिंगल। आर्यन ग्रुप सन्माननीय किशोर शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून प्रत्येक विकेटसाठी एकूण 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे टीम ब्राह्मण करवले संघासाठी। लेकिन झीरो विकेट, यहाँ पर विकेट इस जोड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बल्लेबाजी करते हुए अब तक 41 रनों की है। पहले विकेट की साझेदारी आगे बढ़ती हुई और आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक अगर ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करता तो मैच रनों की गति बढ़ेगी जरूर। बुरदुल टीम के लिए बढ़ाते हुए रन, सिंगल डबल से स्कोरबोर्ड चलाते हुए रुक रहे नहीं है दोनों बल्लेबाज। उनको पता है यहाँ से डॉट्स गेंद भी हमारे खिलाफ जाएगी, तो हर एक गेंद पे एटलीस्ट कम से कम क्यों ना एक रन तो निकाल रहे हैं। नक्कीच प्रथमेश, जर विचार केला तर एक ही घडी बाद झाला नाहीये, एक मॅराथॉन इनिंग या दोन खेळाडूंच्या माध्यमातून पाहायला मिळते, आणि सलामी कशी असावी याचं ज्वलंत उदाहरण पाहायला मिळतं। ओहो अगली पेशकश, चंडू हवेमध्ये मुक्त संचार, चांगला एफर्ट राहिला, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सज्ज होते नयन। खऱ्या अर्थानं नयनांचा चांगला वापर त्याला करायचा होता, बॉडीचा बॅलन्स राखल्यानंतर हा झेल परावर्तित होऊ शकला असता। पिछली मॅच में आपने दो कॅचेस छोडे सुधीर के, इस मॅच में दो कॅच यहाँ पर महेश के छुट्टे हुए। नक्की सुधीर पाटीलचा सहा धावसंख्येमध्ये सोडलेला झेल, आणि त्यानंतर या स्पर्धेतील अर्धशतक आपण पाहिले सुधीर पाटील, आणि त्यानंतर पुन्हा खर्रा फिल्डिंग आल्या चार चौकार। सोने पर सुहागा बुरदुल टीम के लिए डीजर्व। पाहतो या स्पर्धेदरम्यान जय गावदेवी 11 बुरदुल संघ आता आक्रमक झालाय, बिनगडीबाद 47 जावा। अगली पेशकश बॅट चिकडा, आणि फर्स्ट स्लिप मध्ये क्षेत्ररक्षक सज्ज होते। विवेक बुद्धीनं हा झेल पकडणं गरजेचं होतं विवेकला, आणि झेल सुटल्यानंतर पुन्हा फलंदाज आक्रमक होतील यात काळी मात्र शंका नाहीये। डेफिनेटली रोशन, बार बार लगातार अगर आप किसी बल्लेबाज को इतने मौके दोगे तो क्यों चौके नहीं खाओगे, हर बार अगर आप ये हाफ चांस को फुल में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे ना तो इस मैच में अपना अस्तित्व टिकाना बहुत ही कठिन होगा। टीम ओवर का खेल समाप्त 48 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। टीम जेके स्पोर्ट्स वाकलन अपन इतने मंचकावर दिया, आणि त्यानंतर टीम नागझरी अपन सुद्धा इथे सज्ज व्हायचे, लकी ड्रॉ इथे केला जाईल, परंतु लक्षवेधी कामगिरी का पाहायला मिळते टीम जय गावदेवी 11 बुरदुल संघाची। बिनगडीबाद 48 धावा, धावपटलामध्ये राहिले, परंतु अखेरचं षटक आहे शिल्लक जिथे धावा अजून येऊ शकतात, कारण ज्या पद्धतीनं एकही गडी बाद झाल्याने प्रतिमेश ठाकूर। डेफिनेटली देखा जाए तो ओवरऑल अब तक 48 रन स्कोर का आठ पर है। पहले तीन ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 16 की सरासरी देखा जाए तो 16 के रन रेट से यहाँ पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब तक महेश के बल्ले से 25 रन आए 11 गेंदों में और केवल 8 गेंदों में 18 रनों की एक बड़ी पारी सुधीर की। ज्या पद्धतीने सराव सामन्यामध्ये डंका असतो टीम बुरदुलचा, त्या पद्धतीने फटके आले आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये, झेल पकडण्याची नामी संधी, संधीचं सोनं केलंय स्वतः गोलंदाज तेजसनं, कॉटन बॉल पहिला दे धक्का। आर्यन ग्रुपच्या माध्यमातून धनप्राप्ती होऊ शकते, कारण ज्या पद्धतीनं किशोर शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचा धनादेश इथे दिला जाईल,
एक उत्तम दर्जाच कार्य पहाय मिलते किशोर जी। 24 घंटे एटीएम खुला है यहाँ पर, यही तो टेनिस क्रिकेट की मजा है दोस्तों। अभी आप कहीं नाइट में जाओ टूर्नामेंट के लिए, आखिरी गेंद तक ये कैश प्राइज होते हैं, या फिर आप मॉर्निंग में आओ किसी टूर्नामेंट के पहले गेंद से कैश प्राइज शुरू होते हैं। नक्कीच लाखों नवे तो कोट्यवधींची उड्डाणे अपन पाहू शकता टेनिस विश्वामध्ये, आणि त्यानंतर बैलगाडा शर्यत सध्याच्या घडीला खूप क्रेज पाहायला मिळते अखंड महाराष्ट्रामध्ये या दोन खेळांचे, आणि त्यातील हा खेळ पाहायला मिळतो सरपंच चषकातील हा सुपर मंच गाजवताना स्वतः याच गावातील संघ बोर्दुल, आणि त्याला शिकस्त देतोय ब्राह्मण करवले। एक तगडा संघ आहे, शिकस्त देऊ शकतो इतकी ताकद आहे। एक गडी बाद 48 आणि या अखेरच्या षटकातील 5 चेंडू अद्याप शिल्लक। तेजस आगे बढ़ते हुए ये अच्छा शॉट खेला है, ये अच्छा शॉट खेला है। हर एक खिलाड़ी आ रहा है और हर एक खिलाड़ी तोड़ रहा है। यहाँ पर देखा जा जैसे अजय मैदान के अंदर आए और उनके बल्ले से आता हुआ ये चौका अजय बॉम्बे ने अच्छा स्ट्रोक खेला। एक्शन रिप्ले हम देखेंगे, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश आ गया है। आगे वाला पेड़ देखा जाए तो पूरी तरीके से बैलेंस करते हुए और उसके बाद ये स्ट्रोक कन्वर्ट किया। अजय च मध्यम कलात्मक फटकेबाजी, पहिला चेंडू फेस करतो होता आणि त्याच्या बाड मधून हा चौकार आलाय। धावसंख्येचं अग्नितांडव पाहायला मिळतं, 52 धावसंख्येचं दशावतारी रावण आता उभं राहिले स्कोर कार्डवरती। आखरी 4 गेंदे और एक उसी दिशा में खेला, लेकिन इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद, तेजी से आए गेंद को उठाया, फेंकेंगे तब तक 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ बढ़ती हुई टोटल 54 रनों पर रोशन एक बड़े टोटल की ओर आगे बढ़ती हुई फिर एक बार इस मैच में जय गावदेवी क्रिकेट टीम बुर्दुल। 4 षटकन मध्ये या धावा पुष्कळ ठरतील का कि कमी पडतील, कारण समोरील संघ सुद्धा तितकाच तगडा आहे। संघ पाहायला मिळेल क्रिशा जागृत 11 ब्राह्मण करवले भाई यांचा संघ। ओहो सुंदर फटकेबाजी, चांगली चपराक चाबुक फटकेबाजी आलाय, अजून एक चौकार। फटकेबाजी अदाकारी पाहायला मिळते, अजय ऑन फायर, 3 चेंडू खेळला, 10 धावा त्याच्या बाड मधून पाहायला मिळतात। आता धावसंख्या जाऊन पोहोचते एका गडाची राहिली कत्तल, 58 धावा धावपटलावरती। 2 गेंदे शेष, 2 गेंदे शेष, अजय बॉम्बे पर नजर आहे, अजय बॉम्बे की विकेट, बड़ी सफलता, दूसरा करारा झटका, 58 रनों पर लगता हुआ जय गावदेवी क्रिकेट टीम बुर्दुल को अजय बॉम्बे बैक टू द डगआउट। देखिए मैदान के अंदर प्रतीक जरूर आए और प्रतीक के लिए विश्वजीत मोतीराम पाटिल इनके तरफ से हर एक सिक्सर को 1,000 रुपए के नकद इनाम दिया जाएगा। हर एक सिक्सर पर रोशन 1,000 का नकद इनाम, यहां से एक गेंद शेष है, सिक्सर आया तो 1,000 मिलेंगे। अच्छा स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर और ये क्या छूटा, कैचेस छोड़े कितने इस मैच में, और एक खराब खराब फील्डिंग, बैकअप में खिलाड़ी बहुत दूर, और यहां पर शायद जहां पर विकेट मिल सकती थी वहां पर 3 रन खर्च किए। नक्कीच विजय पाटील त्या ठिकाणी सज्ज होते, सोपासा जेल होता सीमारेषे नजीक, परंतु बॉडीचा बॅलन्स त्यानं राखला, परंतु चेंडूवरती चांगल्या पद्धतीनं लक्ष केंद्रित केलं नाहीये आणि या कारणास्तव जेल सुटला, जिथे आले 3 धावा। खेळाचा पहिला पूर्वार्ध झालाय समाप्त, 61 रन स्कोर कार्ड पर, 62 रनों का लक्ष्य, आने वाली 24 गेंदे, 62 रनों की दरकार। और मैं लेता हूँ छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहे हमारे साथ सरपंच चषक 2023 के इस बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता में। हमारे साथ फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में प्रवीण टेम्बे आ चुके हैं, देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया बतौर हिंदी कमेंटेटर उनका दबदबा रहा, बाइकर मैन, पहले बाइकर मैन कमेंटेटर हमारे कॉमेंट्री क्षेत्र में देखा जाए तो प्रवीण टेम्बे का नाम लिया जाता है। स्वर्गीय रामचंद्र मड़वी प्रतिष्ठान उसाड़ने की प्रतियोगिता और वहाँ पे बने ये बाइकर मैन कमेंटेटर हमारे साथ जुड़ते क्या, फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में, फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स से आवाज़ गूंजेगी वॉइस ऑफ शिरवली
रोशन पाटिल और उनके साथ बाइकर मैन कमेंटेटर प्रवीण टेम्बे। उससे पहले मैं भी गुजारिश करता हूँ वाकनल टीम के कप्तान जेके स्पोर्ट्स वाकलन टीम प्रदीप दादा आइए आप टॉस बॉक्स में और उन्हीं के साथ नागजरी टीम के कप्तान आइए। लकी ड्रॉ किया जाएगा हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए वहीं पर लकी ड्रॉ किया जाएगा। हेलो मात्र आता वर्तमान लड़त अपन इतने पहतो जे गावदेवी बुर्दुल आणि क्रिशा जागृति इलेवन सिद्धि करवले ब्राह्मण करवले क्रिकेट संघाच्या दरम्यान जी लड़त आहे या लड़तीमध्ये या वर्तमान सामन्यामध्ये जो संघ विजेता ठरेल त्या संघात आणि नागझरी श्रीकृष्ण क्रिकेट संघाच्या दरम्यान त्या संघाने सुद्धा दोन सामने जिंकलेले आहेत या दोनमध्ये लकी ड्रॉ केले जाईल लकी ड्रॉ केले जाईल आणि जो लकी ड्रॉ विजेता संघ पुढील फेरीमध्ये दाखल होईल आणि ज्याला लकी ड्रॉ पराभूत संघ असणार आहे लकी ड्रॉला अपेक्षित ठरेल तो संघ जेके इलेवन वाकलन क्रिकेट संघाच्या विरोधात भिडणार आहे। खऱ्या अर्थाने संदेश शेलके आई एकवीरा लाईव्ह इव्हेंट्स संदेश तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचं तेजस असतील शांततेचे प्रतीक अभिजीत चव्हाण सर्वांचं कौतुक करू। क्वालिटी विथ क्लेरिटी हा संगम प्रत्येक स्पर्धेमध्ये असावा आणि जबाबदारी खबरदारी प्रत्येक लाईव्ह इव्हेंट्सचा जशी व असतो खऱ्या अर्थाने त्यांनी प्रत्येकाने घ्यावी। खऱ्या अर्थाने सुंदर बघा एकदम दमदार आपल्याला इथे हा खऱ्या अर्थाने क्वालिटी बघायला मिळते याला दुग्ध शर्करा योग म्हणतात। तुम्ही फोकस करा लक्ष केंद्रित सातत्याने प्रसारण असावं काम मात्र संदेश शेलकेच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळतो। शुक्रिया आइए चलते मुकाबले की तरफ जहाँ पे बुर्दुल मेजबान टीम के खिलाफ मेहमान ब्राह्मण करौले का ये मुकाबला होता हुआ लक्ष्य रखा है 62 रनों का 24 गेंदों में। लक्ष्य बहुत लंबा है यानी आपको तीन या दो बड़े स्ट्रोक एक ओवर में खेलने पड़ेंगे। पहली बॉल भूषण पाटिल पहली गेंद वाइट बॉल एक्स्ट्रा रन सलामी जोड़ी है राहुल पाटिल और राहुल भंडारी दो राहुल स्ट्राइक गेंद पर। कहते जो गिरने से डरते वो कभी नहीं उड़ते गिरना आपको आना पड़ेगा उड़ना आपको सीखना पड़ेगा ये क्रिकेट का खेल है कभी इनफॉर्म तो कभी आउट फॉर्म। शॉट अच्छा है ऊपर बहुत है नीचे फील्डर है पहले विकेट की तलाश और ये क्या छूटी हुई पहला विकेट छोड़ दिया राहुल पाटिल को मौका मिला और ये अपेक्षा नहीं थी एक बड़े खिलाड़ी के द्वारा क्या छूटी है बुर्दुल की आशा थी ये विकेट और शायद उनके लिए मुश्किल बना। टीवी अंपायर चेक करेंगे ये चौका है या नहीं लेकिन आसान सा कैच छोड़ दिया सुधीर पाटिल अर्धशतक वीर की ओर से गलती हुई बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा आंखों पे कि सुधीर ने कैच छोड़ा आज। सुधीर पाटिल देखिए नजदीक गए थे सीमा रेखा पर गेंद फील्ड की तो ये चौका नहीं है जितने दौड़ के लिए वो रन मिलेंगे आपको। राहुल पाटिल बच गए शायद आप उनका बल्ला आग उगलेगा जब भी छूटे कैच बल्लेबाज अच्छा खेले मुकाबले में। जी बिल्कुल कैच छूटने के बाद ये शुरुआत होती हुई एक लंबा तड़ाका चार रनों के लिए।
माना कि चौका लगा पिछली गेंद पे, लेकिन ये वापसी की, ये घरेलू मैदान पे बुरदुल टीम खेल रही, इसी मैदान पे वो हर शाम सुबह प्रैक्टिस करते हैं, विकेट को बहुत नज़दीक से जानती है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट होगा और शायद वो डॉट गेंदे बता रही है। राहुल पाटिल इनका क्या छोड़ा है आपने, और ये नतीजा है उसका, बढ़िया शॉट 6 रन। सन्माननीय आर्यन ग्रुप चे प्रोपाइडर किशोरजी पाटील यांच्या माध्यमातून कैश प्राइज है, पाठोपाठ लगातार 3 षटकार, 3,000 रुपयाचा धनादेश इथे सुपूर्द केला जाईल राहुल पाटील यांना। सुधीर पाटील ने क्या छोड़ा था, चौका आया, छक्का आया, नतीजा साफ है कि आपने बड़े खिलाड़ियों को मौका दिया है राहुल पाटील को, और ये 13-0, 2 गेंद शेष, 62 का टारगेट है, ये छक्के चौके चाहिए रोशन, क्योंकि बहुत बड़ा लक्ष्य है आपके खिलाफ, उतने बड़े स्ट्रोक आएंगे तो आसान होगा जीत का रास्ता तय करना। ब्राह्मण करौले और बुरदुल का ये मैच बी वर्सेस बी, राहुल की जोड़ी उतरी है सामने, भूषण अच्छी अच्छी बल्लेबाजी, राहुल पाटिल को बहुत सालों का अनुभव है, देखे चेहरे पे चमक भी है, ऐसा लग रहा है कि 20 साल से अधिक क्रिकेट खेल रहे, काफ़ी मशहूर है। और देखिए आर्यन ग्रुप इनके ओर से 3 लगातार अगर विकेट आते तो ये गेंदबाजों को इनाम दिया जाएगा, उनकी तस्वीर VIP डाइस पे, और उनके साथ जुड़े हमारे महागुरु MD गढ़ के सर। मुकाबला अच्छा होगा, 62 का टारगेट है, अब 49 की जरूरत है 20 गेंदों पे। राहुल पाटिल का विकेटों पे टिकना सबसे इम्पोर्टेंट होगा टीम ब्राह्मण करौले के लिए, 2 राहुल और 2 गेंद शेष है, पिछली गेंद चौका फिर आया छक्का, 1 गेंद डॉट निकली जरूर, और अच्छा कमबैक है, वापसी भी हुई, छक्के भी लग रहे, 2 तरफा मैच है। जी हाँ बिल्कुल, कभी छक्के कभी डॉट और 2 तरफा ये मुकाबला नजर आता हुआ, स्विंग किया गेंद को, देखिए सीधा रखा लेंथ को, लाइन को, और ओवर पिच बॉल, 5 गेंद 1 गेंद शेष, 13, और दर्शक धीरे धीरे थोड़े कम होते हुए, लेकिन जिनकी टीमें जीती है उनके दर्शक है, बुरदुल के दर्शक और ब्राह्मण करौले के दर्शक है, लीजिए बुरदुल के दर्शक खुश, अंपायर पे निगाह होगी, टीवी अंपायर को DRS भेजा है, और बैटर रिव्यू है ये फुल टॉस के लिए, कैच तो मिली है लेकिन क्या ये नो बॉल है या नहीं, क्या वापिस दूसरा जीवनदान मिलेगा बैट्समैन राहुल पाटिल को, यह सवाल है, एक तो मिला जीवनदान कैच छूटने का, लेकिन ये किस्मत अच्छी तो मौका मिलेगा। टीवी अंपायर सुधीर संतोष जी चौधरी बैठे यहाँ पे, चेक करेंगे DRS, सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय होगा दोनों टीम के लिए। श्रीकृष्णा नागजरी रुपेश, अपन इथे लकी ड्रॉ करणार आहोत, खऱ्या अर्थाने आमच्या संयोजन समितीच्या वतीने सूचित करण्यात आलेले आहे, चिट्ठीवर नाव असणार आहे एक विनर, आणि एका चिट्ठीवर नाव असेल नागझरी। फेअर डिलिव्हरी, फेअर डिलिव्हरी, राहुल पाटील का विकेट मिला आहे, आखिरकार एक कॅच छूटी और दूसरी कॅच मिली, ये फेअर डिलिव्हरी है, और ये 13-1 झटका लगा है टीम ब्राह्मण करौले को। ती गोलंदाजाची आणि अप्रतिम गोलंदाजीचं आपण समीकरण पाहिलं, जिथे 1 गडी बाद 13 धावा धावपटलावरती 62 धावसंख्येचा मोठा पल्ला इथे गाठायचा टीम ब्राह्मण करवले या टीमला। ड्रॉ केली जात आहे, लगेच नाणेफेक सुद्धा इथे केली जाईल, आमच्या ऑर्गनायझर प्रवीण दादांच्या शुभासते, बघा 2 चिठ्या आहेत, 1 चिठ्ठीवर विनर अक्षर असणार आहे आणि 1 चिठ्ठीवर नागझरी, 1 चिठ्ठी मात्र उचलली जाईल ड्रॉ, बघूया बघूया लक्की ड्रॉचा, यातून जो संघ विजेता ठरेल
तो निश्चित स्वरूपात तिसऱ्या फेरीमध्ये दाखल होईल। नाणेबेक आता अभिनय करणार आहोत, नाणेबेक केली जाईल या। किशोर पाटील यांच्या शुभासे आपण नाणेबेक करणार आहोत। आर्यन ग्रुप ब्राह्मण करवले, खेल स्टार्ट कंटिन्यू। इथे नाणेबेक केली जात आहे किशोर पाटील यांच्या शुभासते। नागदरीबी पक्ष वाकलन आणि नाणेबेकीचा कौल नागदरी संगणक डिसिजन देतो। ओके, नाणेबेकीचा कौल श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागदरी क्रिकेट संघाच्या बाजूने, परंतु वेट अँड वॉच असेल तर आपण पेंडिंग डिसिजन बोलूया। पुन्हा एकदा प्रवीण टेंबे यांच्याकडे। 14 रन एक विकेट के नुकसान पर साई आए राहुल भंडारी के साथ में एक साझेदारी, बेहतरीन पारी खेलने के लिए 62 चेस करने के लिए 17 गेंदों पे 48 की आवश्यकता और बुरदुल का ये सुपरस्टार सुधीर पाटिल बॉलिंग ट्रैक पर अर्धशतक। वीर सुधीर पिछले मुकाबले का हीरो और जरूर एक क्या छूटी इनके हाथों से, लेकिन वो बल्लेबाज भी आउट हुए। आज स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने अष्टपैलू भूमिका साध्य केली सुधीर पाटिल ने, आणि याही लढतीमध्ये खऱ्या अर्थानं गोलंदाजीच्या माध्यमातून त्याची दमखम पाहायला मिळते। एक गडी बाद 14 धावा। ये मेहमान देखिए मंच पर मॅच का मजा लेते हुए, कुछ मेहमान बुरदुल को सपोर्ट कर रहे, कुछ ब्राह्मण करवले को, और ये अच्छा आलिशान मॅच नजर आता हुआ। शायद रोमांचक होगा अगर इस ओवर में बड़े स्ट्रोक आते तो दिलचस्प होगा मॅच। मोठा मोठा पल्ला गाठायचा आहे। 19 धावा 62 आणि आता समीकरण पाहायला मिळेल, येणारे 16 चेंडू 48 धावसंख्येची आवश्यकता। गोलंदाज तयार, ओहो प्रहार करण्याचा प्रयत्न राहिला, परंतु यष्टांचा वेग दुसरा देदका टीम ब्राह्मण करवलेला। चला आपण स्पीडअप घ्या, अतिरिक्त वेळ इथे चढू नका। खऱ्या अर्थानं उत्तम लढतीचा आपण आगाज पाहतो। समीकरण पाहायला मिळेल, 15 चेंडू 48 धावा अजूनपर्यंत बनवा पाहायला लागतील। 2 गडी बाद झाले, 14 धावा धावपडल्यावरती तेजस आहे नंबर 4 पे बॅटिंग केले। ये तेजस VRCC उसाटने के खिलाफ काफी तगडी बल्लेबाजी की थी तेजस ने, और 14 गेंद पे 34 बनाए थे। वापिस वो पारी याद करनी होगी तेजस को जो उसाटने के खिलाफ उन्होंने खेल किया था आज। प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज। आर्यन ग्रुप किशोरजी पाटील यांच्या माध्यमातून हे कॅश प्राइज पाहायला मिळेल। नॉनस्टॉक एंडला धोका होता, परंतु घरामध्ये राहिली घर वापसी, आणि अशा रीतीनं बाईच्या स्वरूपामध्ये ही एक रन्स येताना पाहायला मिळते। प्रवीण म्हात्रे को भी चकमा दिया, इतनी तेज बॉल थी, मतलब आप देखिए वो स्पीड कितना ज्यादा है, जैसे कार भागते रेसिंग वाली, वो गेंद में रफ्तार है आज। वेगवान वेगवान चंडूची सबर पाहायला मिळते। सुधीर एक अष्टपैलू गुणवान खेळाडू, आज चमकदार कामगिरी त्याच्या माध्यमातून राहिली। 14 चेंडू 47 ची गरज आहे। ओहो प्रहार केलाय, क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील, चांगला एफर्ट राहिला, परंतु फक्त आणि फक्त या चंडूगणिक आपण धाव येताना पाहिली ती सिंगल। येणारे 13 चेंडू आणि 46 टार्गेट अजूनपर्यंत तय करावं लागेल। ब्राह्मण करवले के दर्शक थोडे नाखुश होंगे, क्योंकि 4 ओव्हर का मॅच आहे और ऐसा लग रहा है कि वक्त हाथों से निकलता जा रहा है। 13 गेंदे जो 46 रन चाहिए, क्योंकि बड़े शॉट का मॅच बचा आहे। आखरी बॉल बहुत तेज है, LBW, इट्स आउट, विकेटों के बीचों बीच पाए गए और बुरदुल टीम का जश्न, दर्शक उनके खुश।
लावण्यासाठी अंकुश या गोलंदाजाचा आता वापर केला टीम बुर्दुल ने. पहिला बॉल आक्रमक रीत्या खेळला बॅकवर्ड स्क्वेअरच्या दिशेने, परंतु एकच धाव मिळेल. खरा फिल्डिंग आल्या, चार रन चौकार. थँक यू डीजे टीम ब्राह्मण करवलेला आता आधार दिलाय या क्षेत्ररक्षकाने ज्या पद्धतीने राहिली. खरा फिल्डिंग आला चौकार, किस्मत का चौका मिला. खरा फिल्डिंग का नतीजा, ये हाथों में गेंद है, मिस्टेक नहीं करेंगे बार बार. सिंगल क्विक में कंप्लीट किया है. बुर्दुल टीम को बहुत आशा है इस मुकाबले से, लगभग वो जीत के दहलीज पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि सिंगल डबल जब भी आते हैं ना बुर्दुल के दर्शक खुश हो जाते हैं कि छक्का नहीं आ रहा है, सिंगल आ रहा है, बात बन सकती है. नक्कीच संघर्षाचं कालखंड आहे आणि इथे एक चांगल्या दर्जाची मूर्तमेट रोवावी लागेल, चांगले फटके खेळावे लागतील, परंतु काट्यासारखा सरळ चेंडू हवेमध्ये चांगला असेल. पकडलाय स्वतः गोलंदाज अंकुशनं, चौथा धक्का. बुर्दुल संघातील आपण लहान चिल्लर पार्टी या मॅचचा मनमुराद आनंद लुटतायत, कारण ज्या पद्धतीनं जसं विकेट पडतं तसं जल्लोषाचं वातावरण टीम बुर्दुल मध्ये. बच्चा कंपनी बहुत खुश हो जाती है जब क्रिकेट देखने वो आते हैं, उनकी टीम जीत के नजदीक होती है, मोटिवेट करते वो अपने खिलाड़ियों को. वो बच्चा कंपनी, बच्चा पार्टी बुर्दुल की मॅच देख रहे अभी भी. नक्कीच पुढचं भवितव्य पाहायला मिळेल टीम बुर्दुलचं, कारण देखना खेळ सातत्याने आपण पाहतो. विसुंब्याची आपण डे स्पर्धा पाहिली जिथे दमदार खेळ राहिला होता संघाचा. सुंदर सुंदर चेंडूंची सॉपर पाहू शकता, धावसंख्येला अंकुश लावले, अजून एक डॉट बॉल. विकेट कीपर प्रवीण मात्रे को देखिए ग्लोव्स पहन के, अंपायर भी बहुत अच्छे करते हैं वो, और विकेट कीपिंग भी काफी बढ़िया, लेकिन इस बार वो मेजबान की भूमिका में ज्यादा है. नक्कीच खरे अर्थाने एक चांगली संकल्पना पाहायला मिळते. आज 10 गड पाहिला ज्याच्यामध्ये 6 संघ रायगडातील, 4 संघ ठाणे जिल्ह्यातील, परंतु अंतिम टप्प्यामध्ये सुपर 8 मध्ये कोणता संघ जाईल, हु इज लकी गाईज. परंतु आलाय संघर्षाचा हा अजून एक षटकार. उच्च कोटि का शॉट विवेक के बल्ले से 6 रनों के लिए 27 पे 4. आखिरी गेंद 35 चाहिए. फुल लाइन की बॉल है, अंपायर को देखिए, नो बॉल. दौड़ना होगा, जितने मिले लेने होंगे रन. 1 2 3 3 टोटल मिलेंगे, नो बॉल. बीमर बॉल पंचाने घोषित केला, परंतु फुलर लेनचा चेंडू पाहिला जिथे 6 धाव आले असत्या तर एक संघर्षवादी कालखंड पाहू शकलो असतो आपण, परंतु आता 7 चेंडू 32. नो बॉल फ्री हिट मिला है. अगर ये छक्का लगता है तो आगे चल के आसान होगा मैच खेलना टीम ब्राह्मण करौले के लिए, क्योंकि 7 पे 32 है. मानो कि इस गेंद पे अगर बड़ा स्ट्रोक लगता है तो बचेंगे आगे चल के 26 के करीब. हा चेंडू अतिशय इम्पॉर्टेंट है, इथे दमदार चेंडू सफर झाला तर शिरकाव दाखवू शकतो संघ आई गावदेवी 11 बुर्दुल, परंतु हा चेंडू मोठा फटका आला तर मॅच मध्ये शिरकाव करेल टीम ब्राह्मण करेले, ठोकलाय अजून एक चौकार. क्रिकेट संघ नागझरी सामना मात्र 3 षटकांचा असेल, कारण या स्पर्धेमध्ये शेवटचे जे 2 सामने असतात ते सामने मात्र आपण 3-3 षटकांचे खेळलेले आहेत याची नोंद घ्यायची आहे. संपूर्ण जय गावदेवी क्रिकेट संघाचा आपण ड्रेस कोड पाहतो, जर्सी ट्रॅक पाहतो, खऱ्या अर्थाने त्याचे पुरस्कार ते आहेत ऍडव्होकेट सुनील दादा पाटील, माजी सरपंच बुर्दुल, आपले स्पर्धा ऑर्गनायझर आहेत, खऱ्या अर्थाने खूप मोठं योगदान आहे त्यांचं.
जी छह गेंदों पे 28 रन चाहे जीत के लिए। बुर्दुल ने पहला मुकाबला वन साइड जीता था, लेकिन अब भी वन साइड के नजदीक है क्योंकि पांच छक्के मारने है टीम बिल्कुल ब्राह्मण करौले को। बड़ा चमत्कार होगा और विवेक के पास क्षमता है भाई, छक्का मारा है उन्होंने। राहुल भंडारी भी ओपनर है और शायद मार भी सकते हैं क्योंकि शुरुआती बल्लेबाज है रोशन, तगड़े बल्लेबाज है। नक्कीच मैच अजून पर्यंत बनू शकते टीम क्रिशा जागृति 11 ब्राह्मण करौले टीम साठी, कारण सहा चेंडू जिंकण्यासाठी 28 धाव संख्येचा पल्ला गाठायचा आहे आणि हा संघर्षाचं कालखंड गाजवेल का टीम ब्राह्मण करौले। बुर्दुल नाइट में बुर्दुल का अस्तित्व बना रहेगा या होगा खत्म। छह गेंदे लेकर आए बॉलिंग ट्रैक पर किरण पाटिल, इनके ऊपर है जिम्मेदारी। छह गेंद शेष, मिस टाइमिंग है, वन साइड मुकाबला जी बिल्कुल, विकेट मिला है पांचवा 34 पर, छह पांच गेंदों में 28। वाला मुखड़ा वो बिल्कुल सामने आधा चांद नजर आ रहा है। थोड़ी देर में वेबसाइट के द्वारा कैमरामैन उसे फिलवाएंगे, लाइव टेलीकास्ट में जरूर दिखाया जाएगा। पांच के 28 चाहिए, पांच छक्के मयूर, अगर ये बनते तो इतिहास होगा, बहुत सारा इनाम भी मिलेगा। ये कारनामा ये करिश्मा करिए जी नहीं, बुर्दुल का अस्तित्व जारी है और आने वाले सभी मुकाबले 3 ओवर के होंगे, जो बचे 2 बहुत बहुत खूब जी बिल्कुल। ये आधा चांद जिसका गाना प्ले किया डीजे ने, चांद वाला मुकड़ा, और भारत इस बार चांद के दक्षिण ध्रुव में उतरने वाला एकमेव देश बना है दुनिया में, भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि। 3-0 पूरा वन साइड मुकाबला और उसका एकमेव कारण है बुर्दुल की गेंदबाजी, बुर्दुल की बल्लेबाजी। उत्तम उत्तम गोलंदाजी चा आपण नजराणा पाहिला, जिथे आता 3 चेंडू शिल्लक आहेत, 28 धाव संख्येचा पल्ला गाठायचा आहे। पहिल्यांदा फलंदाजी चांगली राहिली, आता गोलंदाजी देखणी राहिल्यानंतर पूर्णपणे डंका, ओहो काय एफर्ट राहिलाय, प्रावीण्यपूर्वक लढा पाहायला मिळतो, पूर्णपणे हनुमंत उडी लगावली प्रवीण म्हात्रे यांनी। प्रवीण मात्रे तो पूरा जी जान से खेल रहे हैं, देखिए वन साइड मैच है फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि ढाई खा ली उन्होंने अभी, बिल्कुल जबरदस्त, और दर्शक उनके खुश हो गए कि ये ही फील्डिंग अपेक्षा करते वो। सुनील दादा यांच्याकडून प्रवीण साठी शुभेच्छा आल्यात, कारण आता संघ विजयाकडे चाललाय, 2 विजय। नक्कीच खऱ्या अर्थानं आयोजनामध्ये जेवढी मेहनत आहे ना तेवढी मेहनत या मॅच मध्ये ते सध्याच्या घडीला दाखवत आहेत। आणि याच मुले की काय शुभेच्छा दिले जातात आमचे A1 सरपंच सुनील शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून। पडद्यामागचा कलाकार कोण असेल तर हा व्यक्ती प्रवीण म्हात्रे, आपण त्यांना पडद्यावर पाहत नाही परंतु पडद्यामागे काय घडतं हे प्रवीण म्हात्रेला माहिती आहे। बहुत बढिया, और या इसी के साथ 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 39 पे 5 विकेट गिरे और यह मुकाबला जीत लिया दूसरा जय गावदीपी बुर्दुल टीम ने, और इस मैच का हीरो होगा नो डाउट्स महेश पाटिल ने 25 की पारी खेली और गेंदबाजी में सबसे अच्छा प्रदर्शन था सुधीर पाटिल का, 3 रन 2 विकेट और 9 गेंदों पे 18, तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के अनुसार ये मैन ऑफ द मैच का खिताब जाएगा फिर से अर्धशतक वीर सुधीर पाटील को। थँक्स प्रवीण टेंबे रोशन पाटील, तर लागोपाठ।